बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, इंसान को किस तरह आजमाया जाता है, इंसान को किस तरह से आजमाया जाता है, थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे। देखिए, बहादुर को मुकाबले के वक्त आजमाया जाता है। कोई शख्स बहादुर है और अच्छाई को फैलाने का एक मौका मिल रहा है, बुराई को मिटाने का एक मौका मिल रहा है, बुराई चढ़ रही है सर के ऊपर। अब उसकी बहादुरी देखनी है कि वो किस तरह से अच्छाई के लिए लड़ता है। तो बहादुर मुकाबले के वक्त आजमाया जाता है, और ईमानदार गरीबी के वक्त आजमाया जाता है। ईमानदार जो है गरीबी के वक्त आजमाया जाता है, मुस्तकिल मिजाज मुसीबत के वक्त आजमाया जाता है कि मुसीबत के वक्त क्या करता है वो। औरत की मोहब्बत फाका के वक्त आजमाई जाती है, जब गुर्बत हो तो फिर औरत का जो है रंग दी जाता है, फिर गुर्बत के वक्त। दोस्त जरूरत के वक्त आजमाया जाता है, सब्र करने वाला गुस्से के वक्त आजमाया जाता है कि वो कैसे सब्र करता है, कैसे गुस्से को पीता है। शरीफ संबंध टूटने के वक्त आजमाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं भाई, हमारी पूरी जिंदगी ही इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है इसमें हमारा इम्तिहान है, तो लिहाजा भाई साबित कदम रहें, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, इसलिए अल्लाह से डरते रहें, बुराई से बचते रहें, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करते रहें। ये ज़िंदगी खेल तमाशा है, इसकी हकीकत को पहचानें, दुनिया के नशे से बाहर निकलें। बड़ा अजीब मंजर है कि लोगों के सामने लोग मरते रहते हैं मगर लोग फिर भी जीते हैं जैसे उन्हें कभी मरना ना हो। असल में आदमी के मन में ही गुमान है कि ये मर गया मैं तो बच गया, या इसके ऊपर दुख आ रहा है मैं तो बचा हुआ हूँ। भाई आज ये मरा है कल को हमें नहीं मरना, इसलिए होश में आने की ज़रूरत है, इस दुनिया के पीछे ना पड़े। असल ज़िंदगी मौत के बाद आ रही है, उसकी तैयारी करें, अल्लाह को राज़ी करें, और भाई बुराई से बचें। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जो है लाइक करें, शेयर करें, फैलाएँ, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को फैलाएं, घंटी जरूर दबा दें ताकि ऐसी अच्छी बातें जो भी हम भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और भाई ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।